हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर वाले सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सेम आलू का भरता, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी है। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिए। इस तरीके से आप चपाती के साथ में, लिट्टी दाल चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये भरते की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले सेम का भरता बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई में पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम सेम, इसे पापड़ भी बोलते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये मैंने लिया है 4 से 5 आलू पोटैटो, और उसे मैंने अच्छे से धो के ऐसे हमें दो भाग में कट कर लेना है। और बिना कुकर के हम इसे बॉईल करके बनाएंगे भरता। तो अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे और इसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा सेम है और आलू अच्छे से पका है कि नहीं। तो ये देखिए, सेम हमारा पक गया है, आलू भी हमारा पक गया है। इसे पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा है। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा कर लेती हूँ। आप ऐसे किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए इसे। और ये देखिए, आलू और जो सेम है अच्छे से ठंडा हो गया। एक बाउल ले लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। जो आलू का छिलका है वो निकाल लेंगे और इसे हमें छील लेना है। तो आप एक बार इस तरीके से आप ज़रूर भरता बना के देखिए। आलू और सेम का बहुत ही स्वादिष्ट भरता बनता है और हेल्दी भी होता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। और एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप भरता बनाएं तो तुरंत सर्व करें, या तो फिर जो कांदा इसमें डालेंगे और टमेटो आप क्या करिए, जब सर्व करना हो आप तभी डालिए। तो ऐसे करके हम सारे सेम को छील लेंगे। जो साइड का होता है रेसा, इसका निकाल लेना है हमें दोनों साइड से। और इसे निकालेंगे नहीं तो ये जब भी हम मसलेंगे भरते को तो ये इसमें आएगा। तो इसके लिए ध्यान से आप सारे रेसे इसके साइड के दोनों साइड से निकाल लीजिए आप। तो ऐसे करके मैं सारे सेम को छील लूँगी। तो ये मैंने सेम और आलू को छील लिया। इसमें डालेंगे हरी मिर्च 6 से 7 बारीक कटा हुआ, या टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे लहसुन, मैंने लिया 10 से 15 कली, बारीक कट कर लेना या टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। इसमें हम डालेंगे हींग 1 चुटकी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरते का। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, मैंने लिया है 2, उसे बारीक कट कर लिया है। तो डाल लेते हैं इसके अंदर। तो अभी इसमें हम डाल लेते हैं टमेटो, मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे अभी हरा धनिया, आप अपने हिसाब से हरा धनिया कम ज़्यादा, हर एक चीज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम रख देंगे। तो अभी हम डाल लेते हैं लास्ट में ऑयल, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इससे डालने से भरता का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर भरता बना के देखिए। तो अभी हम भरते को अच्छे से हाथों से मस लेंगे और हाथों को अच्छे से हमें धो लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से हर एक चीज़ कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जो नहीं पसंद है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, सरसों का तेल, अगर नहीं डालना है तो भी चलेगा, लेकिन आप डाल के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट भरता बनता है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप भरता बना रहे हैं तो तुरंत सर्व करिए, या तो फिर आपको बाद में सर्व करना है तो आप क्या करिए, सारा चीज़ इसमें डाल दीजिए और सिर्फ कांदा और जो टमेटो है वो लास्ट में जब सर्व करना हो तभी आप डालिए। तो इसे मैं अच्छे से हाथों से मसल लूँगी, मिला लूँगी हर एक चीज़। तो ये मैंने भरते को अच्छे से मसल लिया है। इसमें लास्ट में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, जैसा आपको खाना पसंद हो। तो जैसे मैंने बताया, आप क्या करिए, ऐसे पूरा रेडी कर लीजिए, मसल के अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। लास्ट में आप टमाटो और कांदा कट करके डालिए जब सर्व करना हो। तो अच्छे से मैं नमक को इसमें मिला लेती हूँ और फिर इसे हम सर्व करेंगे। ये हमारा भरता बनके रेडी है। तो चलिए इसे हम एक डिश में निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने, खाने में भी। मैंने ले लिया एक सर्विंग बाउल, इसमें हम भरते को निकाल लेंगे। आप इस भरते को चपाती के साथ में, लिट्टी के साथ में, दाल चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेम आलू का भरता खाना किससे पसंद है। तो ये मैंने भरते को निकाल लिया है बाउल में और थोड़ा सा मैंने कांदा, टमेटो, धनिया से गार्निश कर दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऊपर से, चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन भरते में मस्टर्ड ऑयल जितना ज़्यादा डालते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है, स्वाद आता है। तो मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ।